हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार ये माइक मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, तो इस वजह से अगर आप लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुए तो यार एडजस्ट कर लेना। खैर आज हम लोग बात करेंगे सेक्सीफाई, जो कि 18+ शो है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। सो आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस शो, तो कहीं ना कहीं ये सब बताया जा रहा है कि ये शो सेक्स एजुकेशन के लेवल का। सो आई वॉज क्यूरियस टू वॉच दिस शो। सो यार इस शो में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 38 मिनट से लेकर 50 मिनट्स के बीच में ही। और ये शो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। शो की कहानी फोकस करते हैं 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर। सबसे पहले नटालिया, जो कि एक ऐसा सेक्स रिलेटेड ऐप बनाना चाहती है जिसमें फीमेल ऑर्गेजम के बारे में पता चले, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि नटालिया खुद इनएक्सपीरियंस है सेक्स में। और दूसरी है पॉलिना, जिसका एक बॉयफ्रेंड है, उसकी लाइफ में सब कुछ है सिवाय सेटिस्फेक्शन की, यानी कि सेक्स तो है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, यानी कि उसको जो प्लेजर है वो उसको नहीं मिल रहा है। और तीसरी है मोनिका, जो कि इस शो की सबसे बेबाक, सबसे बिंदाक, सबसे बोल्ड लड़की है, जो कि अगर रियलिटी में किसी की लाइफ में आ जाए तो आपकी लाइफ झंड बन जाए। यानी कि ये एक ऐसी लड़की है जिसके फादर बहुत पैसे वाले हैं और इसको वो पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेट करवाना चाहते हैं, लेकिन ये एजुकेशन से दूर भागती है, ये सेक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और इसकी लाइफ में हर दिन सेक्स होता है अलग अलग बंदों के साथ। खैर अब आपको पूरे शो में यही देखना है कि कैसे नटालिया को वो सेक्स ऐप बनाने में पॉलिना और मोनिका हेल्प करते हैं, फिर उनके साथ क्या कुछ होता है, कैसे इस ऐप को बनाने के दौरान इन लड़कियों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो देखिए अगर सेक्स एजुकेशन से इस शो को कंपेयर करें तो सेक्स एजुकेशन इज फनी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सैड। बट अगर ये पर्टिकुलर शो की बात करें तो इट्स नॉट दैट मच गुड, बट इट्स नॉट दैट मच बैड। दिस शो इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट एंड इसको हम लोग इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और अगर शो वाइज देखा जाए तो इट्स अ परफेक्ट शो, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और सच बात यह है कि आई रियली लाइक दिस शो, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑडियंस हो, आप किस तरह के शोज़ देखना पसंद करते हो। अगर आप इसी तरीके के शोज़ जहाँ पर आपको कॉमेडी, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एडल्ट चीज़ें और कुछ सोशल मैसेज देखने को मिले, तो यार दिस इज़ द परफेक्ट शो फॉर यू। बट अगर आप लोग इस तरीके के शोज़ देखना पसंद नहीं करते, देन आपको फर्स्ट एपिसोड में ये शो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट फर्स्ट सीन से ही आप लोग बहुत दूर भागोगे। खैर शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देयर आर 3 गर्ल्स, बहुत ही डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। जिस तरह से उन कैरेक्टर्स को यहाँ पर डेवलप किया है, रियली इंटरेस्टिंग। बट हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर बढ़ चढ़ कर बताया, यानी कि मोनिका के बारे में भी जो जो चीज़ें बताई है वो मुझे ऐसा लगा कि यार 10 टाइम 20 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा के बताइए शो के लिए, तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, शो काफ़ी कलरफुल आपको महसूस होता है। और शो की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जितने भी सेक्स वाले सीन्स देखने को मिलते हैं उसको इतनी अच्छी तरह से पिक्चराइज किया कि वो आपको वियर्ड नहीं लगते, वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये शो के हिसाब से ये सीन्स बहुत ही परफेक्टली जा रहे हैं। यानी कि अगर ये सारे सीन्स नहीं बताएंगे या इस तरह से नहीं बताएंगे तो वो ये शो में मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको खुल के बता दूँ कि ये एग्जैक्ट पॉन तो नहीं है, लेकिन पॉन से कम भी नहीं है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। इसलिए जो 3 गर्ल्स है, उनका रोल काफ़ी लेयर्ड वाला था और तीनों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने किरदार को निभाया है। एडिटिंग अच्छी है, लेकिन और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, क्योंकि ये शो 8 एपिसोड मेरे हिसाब से वर्थ वॉच नहीं है। अगर 6 एपिसोड्स होते तो वो ज़्यादा अच्छा था। इवन दो एपिसोड्स की लेंथ इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्शन मुझे ओके लगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेगेटिव पॉइंट्स के लिए इतना ही बोलूँगा कि यार इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि दिस शो इज़ मेंट फॉर दोस ऑडियंस जो इस तरीके के शोज़ देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग ये सोच के जज करोगे कि यार नेटफ्लिक्स पर, जो कि इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इस तरीके का शोज़ कैसे आ गया, तो देखिए यार पूरे वर्ल्ड में अलग अलग इंडस्ट्री से और अलग अलग ऑडियंस है, तो कुछ ऑडियंस है जो इस तरीके की चीज़ें देखना पसंद करती है, इट्स एन ओके, क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है। यार पेरेंटल गाइडेंस के लिए, जैसे कि मैंने कहा, ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। मैं इसको रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। इट्स अ गुड शो, बट डिपेंड करता है यार, शो को ज़्यादा सीरियसली मत देना, इट जस्ट मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस बस। और इसका सीजन 2 डेफिनेटली आएगा 2022 में समर में, क्योंकि अब बहुत सारे जो नल्ले यूट्यूबर्स, जो पाकिस्तानी, जो इंडियंस है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक से बढ़कर एक CP जो 2-2.5 मिनट का वीडियो बनाते और आप वीडियोज़ देखते हो, कमाल की बात है यार। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। और यस, ये वीडियो मैंने बनाया था मेरे जैसे थड़की ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैंने फैमिली रिलेटेड शोज़ के रिव्यू किए, मैंने बच्चों के लिए शोज़ के रिव्यू किए, मैंने एडल्ट ऑडियंस के लिए किए, लेकिन जो मेरी तरह थड़की ऑडियंस है उनके लिए भी वर्ल्ड में शोज़ बनते, तो यार ये शो उन्हीं में से एक था। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना भाई और शेयर ज़रूर करना, और इस वीडियो को इतना व्यूज़ दिलाना कि एटलीस्ट मुझे हिम्मत मिले दूसरा वीडियो बनाने की। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।